हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो आज जो पहला आर्टिकल आया है वो यहाँ पे आया है मोहन रेड्डी कमेटी के बारे में। तो हम मोहन रेड्डी कमेटी के बारे में बेसिक फैक्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, मोहन रेड्डी कमेटी है ये, आपको बता दूं आई किस लिए, पहला फैक्ट तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा हम कंटेक्स्ट को भी देखते चलते हैं। गवर्नमेंट ने जो आईआईटी हैदराबाद के जो चेयरमैन है उनका नाम है बीवीआर मोहन रेड्डी और उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जिसका नाम है मोहन रेड्डी कमेटी। और इस कमेटी का काम ये था कि हमारे देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इनकी हालत जो खराब होती जा रही है, क्वालिटी गिर रही है, इसमें जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है उनको मद्देनजर रखते हुए उसको रिकमेंडेशन देनी थी। तो अभी कंटेक्स्ट यह है कि मोहन रेड्डी कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन या सुझाव है वो प्रोवाइड करे हैं गवर्नमेंट को, या हम कह सकते हैं कि AICTE है जो कि कॉलेजों को रेगुलेट करती है, इसको मोहन रेड्डी कमेटी के द्वारा सुझाव है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं सजेशन के तौर पे। अब इसका मेन हम ओवरऑल सारा सारांश देखें तो वो ये है कि देखो, हमारे देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इनका शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म है इसके आधार पे उनका एक्सपेंशन किस आधार पे करना है, कितने कॉलेज को मान्यता देनी है, वहाँ पे सीटें खाली हो रही हैं तो उनका क्या क्या मेथड होना चाहिए, उन सब के लिए मोहन रेड्डी जो कमेटी है इसने अपनी रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पे एक फैक्ट ये ध्यान रखना कि देखो, लगातार हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी है वो गिरती जा रही थी, नए जो स्किल की बात करें स्किल का अभाव है वो भी बढ़ता जा रहा था, तो इनको मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी को बनाया गया था। तो अभी इस कमेटी ने जैसे कुछ सुझाव दिए हैं, देखो हम जो ये सुझाव है ना इनका हम कहीं ना कहीं सजेशन के तौर पर वे फोर्डमैन का यूज है वो कर सकते हैं कि जैसे अभी नए सुझाव इसके द्वारा ये दिया गया कि 2020 तक जो नए कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के उनकी स्थापना नहीं की जाए और 2020 के बाद भी हर 2 साल में रिव्यू किया जाए कि हाँ भाई अब हमें जरूरत है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता देने की, तभी मान्यता दी जाए अदरवाइज नहीं। इसके साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनके अंदर नए सब्जेक्ट लेके आना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ जो कि आपको पता है कि 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बिलोंग करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुआ, रोबोटिक्स हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ, डाटा साइंसेज हुई, इसका साइबर सिक्योरिटी हुई, 3D प्रिंटिंग और डिजाइन है, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि हम नई टेक्नोलॉजी, हम एक तरीके से बोल सकें कटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जो कि 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की नींव है, बेसिक फाउंडेशन है, उसकी तरफ हम फोकस कर सकें और इंडिया इसमें महारत हासिल कर सकें। तो इसलिए इस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि मोहन रेड्डी कमेटी किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है खुशी स्कीम के बारे में। देखो, जो खुशी स्कीम आई है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिक एक स्कीम है। हमने कल ही एक स्कीम के बारे में जाना था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा के अंदर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत 3 इंडिया के जो मेन PSUs हैं उन्होंने सैनिटरी नैपकिन के लिए काफी सारे इनिशिएटिव हैं वो स्टार्ट किए थे। तो उसी तौर पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने अपनी एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है खुशी स्कीम। और इसका मेन मोटो ये रखा गया है कि जो उड़ीसा स्टेट के अंदर जो लड़कियां हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स है वो प्रोवाइड करवाया जाए 6th से 12th क्लास तक। यहाँ पे ये ध्यान रखना केवल गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सेमी एडेड जो भी स्कूल है उन सब में एक्चुअली फ्री सैनिटरी नैपकिन्स है लड़कियों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव हम कहीं इसका यूज है वो कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम बोलें कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारा मेन टॉपिक रहता है या वुमेन एम्पावरमेंट का जो इश्यू रहता है वहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। इसमें होगा क्या कि जो गर्ल स्कूल गर्ल्स हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन से वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी और ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी स्टेट के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें लगभग कॉस्ट की बात यहाँ पे की गई कि 70 करोड़ रुपये। तो कॉस्ट तो हमें याद रखने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे और फैक्ट की हम बात करें कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट का उसका मेन मोटो यहाँ पे रखा गया है कि लगभग उड़ीसा गवर्नमेंट में जो 1.7 मिलियन गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको जो कि 6th से 12th क्लास में पढ़ रही हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, सब में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ इसका मोटो ये रखा गया है कि जो हेल्थ और हाइजेनिक है, साफ सफाई है, इसको स्कूल में प्रमोट किया जा सके, इन सबको फोकस यहाँ पे किया जाएगा। तो हम खुशी स्कीम का कहीं यूज कर सकते हैं, UPSC पूछ भी सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे और साफ सफाई को प्रमोट करने के लिए, तो ये काफी अच्छा एग्जांपल साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंडो यूएस 2+2 डायलॉग के बारे में। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो 2+2 डायलॉग है वो इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज के साथ करता है, आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 2+2 डायलॉग कौन कौन सी कंट्री के साथ। देखो, 2+2 डायलॉग में हमें ये फैक्ट ध्यान रखना कि कौन कौन के बीच में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यह ध्यान रखना कि इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो इसके साथ ही यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
दो तो ये हो गए, और दो और कौन है, दो हो गए इधर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंडिया के, और यूएस के हो गए यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो ये चारों लोगों के बीच में, या हम कह सकते हैं ये चारों के बीच में 2+2 डायलॉग है वो होता है, मतलब दो लोग इंडिया की साइड से और दो लोग यूएस के साइड से। तो खैर कौन कौन यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है कि इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर यहाँ पे कोई और ऑप्शन हमें दे सकती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इंडिया इससे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट है वो करती हैं। अब यहाँ पे एक अहम बात ये आती है कि भाई इसका मेन मुद्दा क्या है, इसका फायदा क्या होता है। देखो 2+2 डायलॉग का मतलब यह है कि हाई लेवल की कम्युनिकेशन मीटिंग होती है, इसमें क्या होता है काफी सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है, जैसे सिक्योरिटी की बात हो वो इसके साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना हो, पीपल टू पीपल टाइज हो, तो काफी एडवांस लेवल की मीटिंग होती है और ये काफी क्लोज रिलेशन को भी शो करती है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस और रिश्ते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और काफी अच्छा बेनिफिट भी इंडिया और यूएस दोनों को उसका मिलने वाला है, ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको यहाँ पे निपटाया जा सके। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कोमकासा के बारे में। कोमकासा का मतलब है कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो देखो ये ध्यान रखना कि इंडिया ने इसे रिसेंटली साइन है वो किया है, जो कि यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया ने रिसेंटली यूएस के साथ कौन सी डील साइन किया, तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो हमें बताना चाहिए कि कोमकासा इंडिया ने साइन किया है। अब आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं कोमकासा के बारे में। देखो कोमकासा बेसिकली जो एग्रीमेंट है ये शो करता है कि इंडिया के जो फ्लाइटर प्लेन्स वगैरह हैं या इंडिया का जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो सिक्योरिटी सिस्टम है या हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इनक्रिप्ट मतलब उसको काफी सिक्योर किया जाएगा, वो किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो वो कुछ एग्रीमेंट इस तरीके का किया गया। तो हमें ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन के लेके ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ये एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करें 2+2 डायलॉग की, तो देखो नेक्स्ट 2+2 डायलॉग जो मीटिंग होनी है 2019 में वो यूएस के द्वारा आयोजित है वो की जाएगी, क्योंकि इस बार 2018 में इंडिया के द्वारा आयोजित की गई थी जो कि काफी डिले भी हुई थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है नेचुरल गैस ग्रिड के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी कैपिटल ग्रांट प्रोवाइड करवा दी है इंडिया की गेल कंपनी, जो कि आपको पता है गैस के लिए काम है वो करती है, जो कि इंडिया का मेन पीएसयू सेक्टर में शामिल है। तो अभी इंडिया ने जो गेल कंपनी है इसको लगभग 5,176 करोड़ रुपए की इसका सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया। क्यों ये ऐसा इसलिए दिया है ताकि जो जगदीशपुर और जो बोकारो गैस पाइपलाइन है ना इसका प्रोजेक्ट जल्दी से निपट सके और इस ग्रिड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो किया जा सके। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रिड पाइपलाइन बनाई जा रही है बोकारो से लेके जगदीशपुर के बीच में, ये जो पाइपलाइन है ये नेचुरल गैस है इसको ट्रांसमिट करेगी, मतलब नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनेगी। अब ये तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि किसके लिए, नेचुरल गैस के लिए ऑब्वियसली। इसके साथ ही यूजेस के बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती है, तो हमें ध्यान रखना कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी है, कॉमर्शियल यूज भी होगा, डोमेस्टिक यूज भी। यहाँ पे यूपीएससी कह सकते हैं कि ओनली इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए है, तो ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक जो हम गैस यूज करते हैं उसको भी पाइपलाइंस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जैसे कि आपको पता है गाड़ियां भी चलती हैं नेचुरल गैस से, तो उनमें भी इसका यूज है वो किया जाएगा। इसके साथ ही कौन कौन से स्टेट को इसका बेनिफिट हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, तो ये 5 स्टेट हैं जिनको इस गैस पाइपलाइन का फायदा है वो होने वाला है। तो ये हमें इफेक्ट है वो ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। देखो नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है पांडा बॉन्ड के बारे में। जो पांडा बॉन्ड है वो आपको बता दूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको लॉन्च करने की बात है वो की गई है। किस लिए? ताकि चाइना का जो कैपिटल मार्केट है वहां से पैसे इकट्ठे किए जा सके लोन की फॉर्म में। मतलब पाकिस्तान ने चाइना के कैपिटल मार्केट से पैसे या लोन को राइज करने के लिए पांडा बॉन्ड है उनको रिलीज किया। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि पांडा बॉन्ड रिसेंटली किसने लॉन्च किया वगैरह। तो हमें ध्यान रखना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज करेंसी में ये बॉन्ड है वो जारी किए जाएंगे, ताकि चाइना की करेंसी में लोन है वो मिल सके और उसका इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल आया है, एक्चुअली आर्टिकल नहीं है, ये जो हमारी 2018 की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसपे इंडिया की रैंकिंग कैसी रही है उनके बारे में, तो एक बार हम सबको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं जो कि मेन मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट की। देखो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें इंडिया की रैंकिंग वो इस बार काफी अच्छी रही, वो रही थी 77 190 कंट्रियों में से। लास्ट ईयर रैंकिंग थी वो थी 100 नंबर पे, तो इस बार इंडिया ने काफी अच्छा यहाँ पे स्टेप है वो उठाया था। सेकेंड हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, ये हमें ध्यान में रखना है। अब आप लोग यहाँ पे ये बताइए कि यूएनडीपी है वो यूएन का पार्ट है या नहीं है, ये आप बताइए यूएनडीपी। इसी के साथ ही अब इसमें जो रैंकिंग रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की वो रही है 130वीं 189 कंट्रीज में, मतलब 189 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग 130 रही है।
नेक्स्ट हम बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है वो फिसली है 11 नंबर से। पहले इंडिया की रैंकिंग थी वो थी यहाँ पे 122 और अभी हो गई इंडिया की रैंकिंग 133। मतलब इंडिया में हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो उसको लेके इंडेक्स वो जारी किया गया है। और यह इंडेक्स जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जो कि 2012 से ही जारी है, वो किया जा रहा है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग गिरी है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, देखो इसमें भी इंडिया की रैंकिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही है। इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है वो रही है 136वें नंबर पे। तो हम कहें तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग नहीं है, बहुत ही बेकार है ये रैंकिंग। मतलब इंडिया में पीस के मामले में इंडिया बहुत नीचे रहा है, मतलब इंडिया में शांति नहीं है, ये इसलिए रैंकिंग जारी की गई है। इसके बाद में हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के नजरिए से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पहली बात तो ये कौन कौन से पैरामीटर पे जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, और इसी के साथ हम बात करें यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन, मतलब हम माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, कुपोषण बोल सकते हैं। तो इन चार पैरामीटर के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है वो यहाँ पे रही है 103वें नंबर पे। 119 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग कहाँ पे रही है, 103वें नंबर पे। और देखो इसमें अगर रैंकिंग 100 से ज्यादा आ रही है, 100 या 100 से ज्यादा, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सब बहुत हाई लेवल पे है, मतलब वो कम नहीं है। तो इसमें रैंकिंग है वो 100 से कम रहने का मतलब है कि वहाँ पे कुछ काम तो हो रहा है पॉजिटिव वे में। तो अभी इंडिया की रैंकिंग 103वें नंबर पे, इसका मतलब इंडिया में इस मामले में कोई अच्छा स्टेप नहीं उठाया गया है और ना ही कोई अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो यह ध्यान रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है, और इंडिया की रैंकिंग इस बार कैसी रही है, यूपीएससी इसके बारे में यहाँ पे पूछ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब एक बार हम जल्दी से आज रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने मोहन रेड्डी कमेटी के बारे में जाना, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज की जो गिरती हुई हालात है, जो स्तर है, इसको इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन है वो प्रोवाइड करवाई गई है। इसके साथ ही हमने खुशी स्कीम के बारे में जाना, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है वो लॉन्च की गई है। इसका मेन मोटो ये है कि जो गर्ल्स हैं जो स्कूल में पढ़ रही हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए जाए और साफ सफाई को प्रमोट किया जाए। इसी के साथ हमने इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग के बारे में जाना, कोमकासा के बारे में डिस्कस किया, और हमने यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि आपको पता है गेल कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है, जगदीशपुर बोकारो पाइपलाइन, जो कि 5 स्टेट से फ्लो करता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, जिसका यूज क्या होगा नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी के साथ हमने पांडा बोंड के बारे में जाना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा पांडा बोंड रिलीज किए जाने की बात है अभी चाइनीज कैपिटल मार्केट में, ताकि चाइना से लोन है वो अटैक किया जा सके, जो कि चाइनीज करेंसी रेनमिनबी में ही जारी है वो किए जाएंगे। इसी के साथ हमने इंडिया की जो 2018 की रैंकिंग है, इंपॉर्टेंट रैंकिंग, 5 रैंकिंग थी, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।